स्पीच के बारे में। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच व्याकरण का एक ऐसा भाग है जो कि हमारे बोलने चालने के हर एक चीज के उसमें शामिल होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कई प्रकार के शब्दों से मिलके एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हैं तो उनके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, उनके यानी वाक्य के, जिस वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी वाक्य है तो अगर उसके सारे शब्द क्रम से रखे गए हैं तो उनके अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। वाक्य में रखे गए जो शब्द हैं वो अलग अलग होते हैं तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज इसकी एक डेफिनेशन टाइप में इसको समझ लीजिए कि कई प्रकार के शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द कई प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द विभेद कहते हैं। इसका जो हिंदी होता है वो शब्द विभेद होता है। शब्द विभेद, तो पार्ट ऑफ स्पीच को कई भागों में बांटा गया है। इन्हें लगभग आठ इनको आठ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है नाउन यानी संज्ञा, नंबर दो है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नंबर तीन वर्ब है यानी क्रिया, नंबर चार एडजेक्टिव, यानी विशेषण, नंबर पांच एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, नंबर छह प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, नंबर सात कंजंक्शन, यानी संयोजक, और नंबर आठ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मय सूचक शब्द। अब देखिए, ये तो हो गए आपके आठों प्रकार हो गए। अब देखिए, जो आप हमने शुरुआत में बताया ना कि शब्दों के यदि व्याकरण में व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए तो उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए एक वाक्य होता है, जैसे देखो ये शब्द है ना, ठीक है, ये एक वर्ड है। एक मिनट, अब दिखाई पड़ रहा हूं, ये क्या है, वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, यानी कई प्रकार के शब्द हैं। ये सारे जो हैं ये शब्द हैं।
सारे सारे ये सब शब्द हैं, इन सभी शब्दों को मिला के क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बन रहा है, सेंटेंस तो बिल्कुल अजीब सा बन रहा है, उसमें कोई अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राम गोइंग, राम गोइंग मनी जा रहा है, आज टू यानी से मार्केट, ठीक है। अब इसका कोई शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर इसी को क्रम से रखें, जैसे नंबर एक राम, उसके बाद में क्रिया, ठीक है, ये तो नाउन हो गया, उसके बाद में वर्ब नंबर टू, उसके बाद में क्या कर रहा है, ये सहायक क्रिया है, नंबर तीन जा रहा है, ठीक है, नंबर फोर कहाँ को, नंबर फाइव मार्केट को, और उसके बाद कब, आज, ये छह वर्ड है ना, छह वर्ड को अगर हम एक सिस्टम से रखें, ठीक है, यानी एक क्रम से रखें, तो क्या हो जाएगा, इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, राम इज गोइंग टू मार्केट टुडे, ठीक है, ये होता है एक क्रम। अब देखो, एक पहला जो हमने वर्ड बताया था कि कई प्रकार के शब्दों से मिलके एक वाक्य बनता है, देखो यहाँ पे स्पष्ट है कि नहीं, कई प्रकार के शब्दों, अब इसमें देखो ये क्या है, नाउन है, ठीक है, वर्ब है, और यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, इस तरीके से यानी सारी चीजें दी हुई है, इसी तरीके से अगर मिला लिया जाए तो एक पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो, एक स्पीच होता है, ठीक, स्पीच हमारा बोलने का तरीका है, बोलने वाली चीजें, और पार्ट मतलब उसके भाग, ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे शब्द यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सभी भागों के, इन सभी जो स्पीच है, एक इनका सबका क्या है, भाग, इसको क्या कहते हैं, शब्द विभेद कहते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम जल्दी ही नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम नाउन के बारे में बताएंगे, तब तक आप नाउन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा।